नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए लव लाइफ 2017 कैसा रहेगा। वैसे देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए 2016 भी ज्यादा काफी अच्छा नहीं गया है, लेकिन 2017 में भी शुरुआत में यानी कि जनवरी में भी ज्यादा अच्छा नहीं जाने वाला है। लेकिन देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसके परिणाम उन्हें मिलेंगे, लेकिन अंत तक आने पड़ेगी। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि लव लाइफ को लेकर चिंतित रहते हैं तो वह अपनी चिंताओं को छोड़ दें, क्योंकि लव लाइफ के रूप में उन्हें कोई ना कोई अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। और यदि वृश्चिक राशि वाले किसी विवाह योग्य हैं और विवाह योग्य होने की वजह से शादी के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं आ रहा है, तो याद रखिए कि 2017 आपके लिए तोहफा लेकर आने वाली है, लेकिन आपके मध्य में आकर ही वह तोहफा आपको मिलेगा और 2017 आपके लिए यादगार बन जाएगी। आप यदि किसी से मिल रहे हैं या फिर आपको कोई पहली बार में ही अच्छा लग गया है तो आप उसे प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं, तो उस बात का भी ध्यान रखें कि आप उसे प्रपोज करने से पहले चीज़ों को ध्यान रखें कि आप उसे कब, कैसे और किस तरह से प्रपोज करें, ताकि वह आपसे जल्दी ही आकर्षित हो जाए और आपके लिए तैयार भी हो जाए। यदि आप चाह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में सभी खुशियाँ एक साथ पा सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ी किस्तों किस्तों में मिलेगी। खुशियाँ मिलेंगी तो सही, लेकिन किस्तों के तौर पर, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसके परिणाम शुरू में नजर नहीं आ रहे हैं। लव लाइफ के रूप में भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें मिलने हैं और कुछ चीज़ें नहीं, लेकिन साल के अंत तक वह खुशियाँ उनकी डबल होने वाली हैं, यानी कि खुशियाँ दोगुनी होने वाली हैं। यदि आप चाह रहे हैं कि 2016 आपका जैसा गया है उस तरह से 2017 ना जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में थोड़ी व्यवस्था रखिए और अपनी चीज़ों को भी ध्यान रखिए। अपने घर में जितने भी मेम्बर हैं उनसे प्यार से बातें करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी ना आए। तो ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए 2017 कैसा रहेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।